यद पुरुषम यथा भागवतम कर्म, क्या भागवत कर्म क्या है तो तद फलम चतुर्मुखम व्याप्तम ये वे ब्राह्मणम कर। ब्राह्मण के कर से, कर माने हाथ से, जो भागवतीय कर्म हो जाता है उसके चार फल यजमान को मिलते हैं। यजमान चाहे भैंस का बाबा क्यों ना हो, कुछ समझे ना समझे, खाली बैठा रहे पागलों की तरह, तो भी चार फल मिलेंगे। जो फल कभी भी पैसों से खरीदे जा सकते नहीं है माला। क्या चार फल है महाराज वो बताओ, वो कौन से चार फल हैं? तो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने, जिन विष्णु के चरणों में पिंडदान होगा उन्हीं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को ये चार फल दिए भागवत के, वो आपको भी मिलने चाहिए। फिर तद फलम भागवतम कर्म यद फलम यजमान युक्तिना, यजमान की युक्ति से ही वो फल प्राप्त होते हैं। बोलिए मेरे साथ में सब लोग, बोलिए भ ग व त। ये चार फल भागवत की किताब के ऊपर ही लिखे भगवान ने, छुपा के कुछ भी नहीं रखते भगवान। जैसे गुटखा और सिगरेट पे कंपनी छाप के भेजती है कि पीते से कैंसर होगा, फिर भी पी रहा है, और भागवत पे लिखा हुआ है कि चार फल हैं इसके, पर लोगों को, हिंदुओं को दिखाई देता, गुटखा दिख रहा, कैंसर दिख रही है और खा रहा, सिगरेट पे लिखा हुआ है कर्क रोग होता है फिर भी खुद पी रहा और अड़ोसी पड़ोसियों को भी कैंसर बांट रहा। वहां तक आ गया कैंसर, जोश में महाराज कुछ नहीं पता चल रहा, बिल्डोजर का गिराने गया दूसरे घर को, झटका लगा तीसरा भी गिर गया। इसीलिए गली कोपरे में घर हो तो मिस्त्रियों से ही तुड़वाना चाहिए, मशीन से तुड़वाया तो अड़ोसी पड़ोसियों का भी लपेटे में आ जाता है। इसीलिए लाला तू लपेटे में आ गया, अड़ोसी पड़ोसी बिल्डोजर का। चार फल जरा खोल देते हैं, सभी लोग आशा लगा के बैठे हैं, क्योंकि फलों के भूखे बैठे हैं सब रे यहाँ पे। कथा हो न हो पर फल आ जाए जल्दी से कथा का। है 1500-1500 किलोमीटर दूर से आए फल के लिए, तो गया जी में ज्यादा मिले फल तो चलो वहीं से ले आए। हमने भी थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया, गया जी में ये मिलता है वो मिलता है, तो ला लो महाराज हमारी भी पोथी लो, हमारी भी पोथी लो। तो पोथी पोथी है, कोई चिंता न करो, जो वायदा किया है वो पूरा जरूर करेंगे। जिन जिन फलों के लिए बोल के लाए हैं महाराज वो फल तो मिलेंगे ही, पर यहाँ जो 3 घंटे पंडाल में हॉल में बैठ के जो मिलेगा वो फल कभी भी पुराण से, तुराण से, पंडित से, पुजारी से नहीं मिलेगा, वो सत्संग से ही मिलेगा महाराज। सभ्यम नगतम भूयश्च संघम साधूनां क्रिया ये वे संग सत्यम च सत्यम प्रवृत्ति सज्जनम सज्जनम प्रवृत्ति संगश्च ये वे साधु यत गति। क्या है सत्संग? सत्संग माने क्या है? तो सत्संग माने मैंने कहा संग, साधु, सज्जन और सत्य का, ये तीनों त्रिवेणी जहां मिलती हो उस जगह का नाम सत्संग है। तीनों मिलने चाहिए पर त्रिवेणी है, ये गया जी है, अलग अलग यहां श्राद्ध होता है, पिंड होता है, तर्पण होता है, तीन जगह तो है ही पूजा। बाकी जहां भी ये विधि होती है सुनी पढ़ी, लोग कहते हैं 55 जगह कर सकते हैं,
पहले तो 365 जगह, धीरे धीरे कम होके अभी इतनी बची हैं, ऐसा हम लोग सुनते आ रहे हैं, कुछ किताबों से भी जानकारी मिली है। ये सारी चीजें परंपरागत हैं, घटती बढ़ती रहती हैं, पर शास्त्र कभी भी घटता नहीं है, शास्त्र हमेशा बढ़ता है, इतिहास घटता बढ़ता रहता है, परंपराएं घटती बढ़ती रहती हैं। यद दर्शनम भागवतम कर्म, लीजिए भागवत जी का पहला फल, भागवत जी का पहला फल है, भागवत का प्रथम अक्षर है भ। तो भगवान व्यास जी कहते हैं जो व्यक्ति भागवत में आके बैठ जाता है वो भक्ति का फल प्राप्त कर लेता है, बैठ जाने से ही भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? यहाँ आने के बाद में उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आनंद आने वाला है, या तो किसी कहानी में, या तो किसी कॉमेडी में, या किसी हंसी मजाक में, या किसी भजन में, उसे कहीं ना कहीं से खुशी मिलने वाली है। बिना रुचि के भी आप कथा में पहुंचिए, आपके अंदर में रुचि पैदा हो जाएगी अगर वक्ता अच्छे हैं तो। है तब पत्वेदम, क्योंकि भगवान की कथा में इतना रस है, उस रस को जो की त्यों रसदार बनाकर आपको परोसने वाला चाहिए। है अच्छा बोलो, वो इमली का पानी और वो कटोरी सी, वो पूड़ी सी भर के दे में पानी पूड़ी, बोलो। अब पानी पूड़ी को देख के इतना रस आ जावे तुम्हारी जीभ पे, तो ये तो कृष्ण कथा है वाला। सारी सारे के सारे ग्वाल वाल गोपिन को रस से भर दियो भगवान ने, ये तो उनकी कथा है। जंगल हरे भरे हो गए जिनकी बांसुरी सुन करके, ये उनकी कथा है। जिनकी बांसुरी से ही बस बरसा हो रही है रंगों की, राग की, पेड़ फलित हो गए, जो पेड़ बांज पड़े थे उनमें फूल आ गए, कदम के फूल सूख गए थे, बांसुरी बजी, कदम के फल आ गए, फूल आ गए, सुगंध आ गए, ये उनकी कथा है। हमारे तो रस किसी भी चीज में आ जाता है। नीरसम यथ जीवनम तम रसम यश्च भागवतम, जिनका जीवन पूरा नीरस हो गया है उनके लिए भागवत अमृत है, औषधि है, वरदान है। जिनके जीवन में कोई खुशी ही नहीं है, सब तरफ से मर गए, उनको तो भैया ये कथा से बड़ा कोई पत्नी नहीं है, कथा से बड़ी कोई लव नहीं है, कथा से बड़ा कोई वरदान उनके जीवन के लिए नहीं। या भर भर के तो प्यार मिलता है, भर भर के सम्मान मिलता है, और भर भर के यहाँ फल मिलते हैं, कल्याण मिलता है। ये एक ही जगह ऐसी है कथा भागवत, जहाँ आदमी को भर भर के सम्मान, प्यार, मोहब्बत सब प्राप्त हो जाता है। और जीवित तो है ही, पर जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। भागवत के चार फल हैं, फिर से बोलिए। भ, भ माने भक्ति, ग, ग माने ज्ञान, व, व माने वैराग्य विवेक, त, त माने तरण। दर्शन शास्त्र कहते हैं कपिल मुनि, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, पतंजलि दर्शन, ये कहते हैं कि इन चार चीजों को पाने के लिए आदमी को न जाने कितना तप जप त्याग करना पड़ता है, पर जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीन चीज उत्पन्न नहीं होती है हिमालय जाके भी, उसमें कथा में आकर के ये वैराग्य उत्पन्न हो जाता है।